हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 1978 की एक बेहद ही खौफनाक मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। मूवी कुछ लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक जेनिफर हिल्स नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। काफी दूर के लिए ड्राइव करने के बाद एक गैस स्टेशन पर वो फ्यूल भरवाने के लिए रुकती है। यहाँ गैस स्टेशन पर तीन लोगों को दिखाया जाता है। पहले वाले का नाम जॉनी और जो दूसरे तीसरे होते हैं उनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। फ्यूल को भराते वक्त जेनिफर की थोड़ी वहां पर जॉनी से बातें होती हैं। जेनिफर जॉनी से यहां के प्लेस के बारे में पूछती है। जॉनी भी उसको यहां के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि तुमको यहां पर अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग से ही जॉनी जेनिफर के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। फ्यूल भरवाने के बाद में जेनिफर वहां से निकल जाती है और जल्द ही अपने हाउस पर पहुंच जाती है। दरअसल जेनिफर एक राइटर होती है, इसीलिए वो एक शांत और अच्छे वातावरण में आकर अपने थॉट्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ आई होती है। हाउस में पहुँचने से तुरंत पहले वो वहाँ की पास की रिवर में जाकर नहाती है, लेकिन यहाँ उसको नहीं पता होता है कि उसको दूर से कोई देख रहा होता है। इसके बाद में जेनिफर अपने हाउस में जाकर वहाँ की चीजों को सेट करती है और तभी वहाँ पर एक मैथ्यू नाम का आदमी जेनिफर के लिए कुछ खाने पीने की और जरूरत की चीजों को लेकर आता है। मैथ्यू का दिमाग जो होता है वो थोड़ा कम होता है, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका दिमाग थोड़ा बच्चों वाला होता है, जहाँ मैथ्यू को जेनिफर काफी पसंद आती है। मैथ्यू वहां से निकलने के बाद में सीधा अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। ये फ्रेंड्स उसके वही फ्रेंड्स होते हैं जो हम लोग को गैस स्टेशन में पहले दिखे थे। मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचने के बाद में जेनिफर के बारे में बात करता है और उसके लिए काफी वल्गर बातें भी बताता है। वो ये बातें बताता है कि वो दिखने में ऐसी लग रही थी कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ वैसा फील होने लगा। अब जब रात होती है तो वो लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते वक्त भी वो लोग सिर्फ जेनिफर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो सभी लोग जेनिफर के लिए काफी गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जेनिफर नदी के किनारे अपनी राइटिंग कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर जॉनी के फ्रेंड्स एक मोटर बोट को लेकर वहां पर उसी जगह आ जाते हैं। मोटर बोट की आवाज काफी तेज और काफी अनोइंग होती है और वो सिर्फ उसी एरिया में बोट को वहां पर घुमा रहा होता है और साथ में जेनिफर की ओर घूर कर इशारा भी कर रहा होता है, इसलिए जेनिफर वहां से चली जाती है। रात के समय भी जेनिफर के घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज आती है। वो लोग उसके बारे में कुछ अश्लील शब्द चिल्ला रहे होते हैं। जब जेनिफर वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। अगले दिन जेनिफर नदी में बोट पर बैठकर रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन फिर से तभी वहां पर जॉनी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। दोनों लोग अब यहां पर जेनिफर को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जेनिफर भी उनसे पीछा छुड़ाने का ट्राई करती है, लेकिन वो लोग उसकी बोट को खींचकर किनारे ले जाते हैं। सभी लोग अब यहां पर उसके साथ में जोर जबरदस्ती चालू कर देते हैं, उसके कपड़े को खींचकर उसे न्यूड कर देते हैं। जितने भी लोग वहां पर होते हैं सभी लोग जेनिफर को पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं। जॉनी अब मैथ्यू को जेनिफर के साथ में इंटीमेट होने को कहता है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन मैथ्यू इस मोमेंट को देखकर काफी डर रहा होता है। उसकी ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती है और इस तरफ जेनिफर चिल्ला के उन सब लोगों से ये भीख मांग रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो। जब मैथ्यू नहीं आता है तो जॉनी खुद ही जेनिफर का रेप करने लगता है। जेनिफर की हालत अब यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी होती है। वो लड़खड़ाते हुए उस जगह से बस निकल कर जा रही होती है। वो बस थोड़ी ही दूर जाती है कि सभी लोग एक बार फिर से उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक दूसरा आदमी उसका रेप करता है। जेनिफर की हालत अब यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसका अंदाजा आप लोग बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वो जितने भी लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और जेनिफर भी किसी जिंदा लाश की तरह अपने हाउस की ओर जाती है। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार ये सब उसके साथ में क्या हो गया है। हाउस में जाने के बाद में वो फोन करके किसी से मदद मांगने वाली होती है, लेकिन वो जैसे ही किसी को कॉल पर बात करने वाली होती ही है, वो जितने भी लोग होते हैं वो उसके घर में पहले से ही होते हैं और एक बार फिर से वो सब लोग मिलकर जेनिफर का रेप करवाते हैं। इस बार मैथ्यू की बारी होती है। जेनिफर उनसे ऐसा ना करने के लिए भीख मांग रही होती है। उसे ऐसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो जितने भी लोग होते हैं किसी हैवान की तरह उसका शोषण करने में जरा भी नहीं चूकते हैं। अब जब उन लोग का पूरा काम फिनिश हो जाता है
तो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जाते समय जॉनी मैथ्यू को एक चाकू देकर मैथ्यू से जेनिफर को मार डालने को कहता है। मैथ्यू अब डरते हुए जेनिफर के पास में जाता है। वो बिल्कुल भी जेनिफर को मारना नहीं चाहता है, या आप लोग ये भी मान सकते हैं कि उसके पास बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि वो जेनिफर को मार सके। वो बहुत गहरी सोच में होता है मगर वो उसको नहीं मार पाता है। वो जेनिफर के ब्लड को नाइफ पर लगाकर जॉनी के पास चला जाता है और ये कहता है कि मैंने जेनिफर को मार दिया। जेनिफर इस साइड में एक ऐसे खौफ से गुजरी होती है जिसे बिलीव कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। वो इस बात को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही होती है। ऐसा लगता है कि उसके माइंड का डिसऑर्डर हो गया है। कुछ दिन बीत जाने के बाद में इन सब प्रॉब्लम से उभरने की कोशिश कर रही होती है। वो नदी के पास जाकर रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर उसे एक मोटर बोट दिखाई देती है जिसमें जॉनी और उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। जॉनी जेनिफर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है। वो मैथ्यू से जाकर जेनिफर को न मारने के लिए उसे इस बात के लिए काफी पीटता है। जेनिफर को अब इस बात का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा होता है, इसलिए वो अब इन लोगों से अपना रिवेंज लेने का फैसला लेती है। एक दिन उसे मैथ्यू किसी स्टोर से सामान खरीद कर ले जाता हुआ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करके उसे अपने पास बुलाती है। मैथ्यू जेनिफर को देखकर डर जाता है। उसने पहले जेनिफर को नहीं मारा था, इसलिए उसके फ्रेंड्स नाराज थे, इसीलिए वो अब फिर से एक चाकू लेके उसके पीछे चला जाता है। मगर जेनिफर मैथ्यू से मिलते ही उसे सेड्यूस करने लगती है। वो मैथ्यू के साथ में इंटीमेट होती है और इसी के दौरान एक रस्सी के फंदे को मैथ्यू के गले में डालकर उससे फांसी दे देती है। मैथ्यू की यहाँ पर मौत हो जाती है। अगला नंबर अब जॉनी का होता है। वो उसके गैस स्टेशन पर जाती है। जेनिफर को देखकर जॉनी काफी हैरान होता है, लेकिन जेनिफर अपनी अदाओं से फिर से जॉनी को अपने जाल में फंसा लेती है और अपने साथ में उसे घर चलने को कहती है। दोनों लोग घर में जाकर साथ में नहाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक तेज धारदार चाकू को लेकर जेनिफर जॉनी के पेनिस को काट देती है। पूरे टब में सिर्फ खून ही खून होता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के कारण अब यहाँ पर जॉनी की भी मौत हो जाती है। जॉनी को मारकर जेनिफर अब कुछ रिलैक्स लग रही होती है। सो अब यहाँ पर इसके बाद में बारी आती है स्टैनली की। जब स्टैनली नदी में मोटर बोट चला रहा होता है, तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। वो स्टैनली को नदी में धक्का दे के मोटर बोट को उसके ऊपर चढ़ा देती है। यहाँ पर स्टैनली की भी बेहद खतरनाक मौत हो जाती है और अंत में यहाँ पर जेनिफर अपना रिवेंज उन सबसे ले लेती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जेनिफर का ऐसा शोषण किया गया होता है, लेकिन वो अपना बदला लेने में कामयाब होती है। भले ही उसने अपना बदला ले लिया हो, फिर भी उसके माइंड में जो उसकी इज्जत होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई होती है। वो इस चीज को कभी भुला नहीं पाएगी और इस दर्द के सहारे पूरी जिंदगी बिताना बेहद मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे गुनाह की सजा क्या होनी चाहिए। यहीं पर मूवी का एंड होता है। ये थी हमारी 1978 की आई स्पिट ऑन योर ग्रेव मूवी का एक्सप्लेनेशन। बाकी मूवीज के दो पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है। आप लोग एक बार उन वीडियोस को भी जरूर जाकर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।